फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कोल्ड फीट की। कुछ लोगों का पैर हमेशा चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो ठंडा महसूस होता रहता है और ठंडा लगता भी है, तो उसका कारण क्या है। इसके उलट कुछ लोगों का पैर जो है हमेशा तलवा जो है जलता रहता है, तो उसके लिए दूसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि जो पैर है उसमें ठंडापन अगर लगता है तो उसका कारण क्या है और ट्रीटमेंट कैसे करें ताकि बेहतर और जल्दी रिजल्ट आए। तो पूरी बात समझते हैं कि जो पैर है उसमें ठंडापन लगता क्यों है। तो देखिए जो बोर्ड है इस पे दिख रहा है ना, चार मेन रीजन है पैर में ठंडापन लगने के। तो अगर देखा जाए तो एनीमिया है, पुअर सर्कुलेशन है, नर्व डैमेज है और हाइपोथायरॉइडिज्म है। तो ये चार प्रमुख कारण है पैर में ठंडा लगने के। किस तरह से बॉडी को अफेक्ट करते हैं अगर उसकी बात समझा जाए तो देखिए कहीं पे भी ठंडापन लगता है इसका मतलब वहां पे उस पोर्शन में एनर्जी कम है। ठंडापन लगेगा क्यों, ठीक है? देखिए कोल्डनेस, कोल्डनेस मतलब कम एनर्जी ना, कोल्डनेस मतलब कम एनर्जी, और कम एनर्जी मतलब कम एटीपी, कम एटीपी, और कम एटीपी मतलब वहां पे कम ऑक्सीजन या फिर ब्लड। तो देखिए कहीं भी ठंडा लगने का यही डायरेक्ट रीजन है कि भाई ठंडा लगेगा तो एनर्जी कम है ना, ठंडा लगेगा तो एनर्जी कम है। अब एनर्जी मतलब बॉडी के लिए एनर्जी क्या है, एटीपी है। अब एटीपी कम है तभी ठंडापन लग रहा है। अब एटीपी कम होने का रीजन क्या है कि या तो कम ऑक्सीजन जा रहा होगा फिर कम ब्लड जा रहा है। तो किसी भी पोर्शन में अगर ऑक्सीजन कम है मतलब वहां पे ब्लड कम पहुंच रहा है, और ब्लड कम पहुंच रहा है तो सीधी सी बात है कि एनर्जी इफिशियंट तरीके से नहीं बनेगी, क्योंकि जो कोशिकाएं हैं ना लगातार एनर्जी यूज करती रहती हैं। तो कोशिकाएं लगातार एनर्जी यूज करती रहती हैं और उसका प्रोडक्शन कम है तो उस पार्ट में ठंडा लगेगा बॉडी का, चाहे जो पोर्शन हो। तो इस तरह से ठंडापन लगता है, मतलब पैर में अगर ठंडापन लग रहा है तो पैर में एनर्जी कम है, और एनर्जी कम होने का रीजन क्या है कि ऑक्सीजन और ब्लड वहां पे कम पहुंच रहा है। तो देखिए एनीमिया में तो यही तो होता है, यानी एनीमिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि हीमोग्लोबिन 13-14 से कम हो जाता है, 13-14 के बीच में रहना चाहिए नॉर्मली, उससे कम हो जाता है। तो अगर हीमोग्लोबिन ही कम है तो वहां पे ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, जब ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो सीधी सी बात है कि उस पोर्शन में ठंडापन लगेगा। और दूसरा रीजन है कि पुअर सर्कुलेशन, उस पोर्शन में सर्कुलेशन कम है, कमतर सर्कुलेशन है। अगर सर्कुलेशन कम है, ब्लड वहां पे कम पहुंच रहा है, और ब्लड कम पहुंच रहा है तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो आर्टरी वेन्स है ना इसके अंदर मटेरियल ऐसे डिपॉजिट हो जाते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में मोर और लेस ऐसे ही होता है। इस वजह से इसका जो डायमीटर है ना, जो व्यास है वो कम हो जाता है। अगर व्यास कम हो जाएगा तो वहां पे ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। तो पुअर सर्कुलेशन के पीछे ये रीजन है। तो पुअर सर्कुलेशन के लिए एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जिम्मेदार है, जिसमें कि जो आर्टरी और वेन्स होती हैं उसके अंदर मटेरियल डिपॉजिट हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल जैसे, ट्राइग्लिसराइड जैसे। इस वजह से उस पोर्शन में सर्कुलेशन कम हो जाता है, और जब उस पोर्शन में सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो भी ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, मतलब एटीपी कम बनेगी। तो पुअर सर्कुलेशन और नर्व डैमेज, जिनको डायबिटीज 1 और डायबिटीज 2 है उन लोगों में अक्सर देखा जाता है कि जो नर्व की जो एंडिंग होती है ना वो डैमेज होने लगती है। क्यों डैमेज होने लगती है, इसलिए कि जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा है। जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन डिजॉल्विंग पावर उतनी नहीं रह पाती जितनी होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन डिजॉल्विंग पावर अगर कम हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि उस पोर्शन में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, तो अगर उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, अगर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो नर्व डैमेज करने लगती हैं। खास बात, नर्व अगर डैमेज कर जाती है तो उनका रिजनरेशन नहीं होता, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है।
तो नर्व डैमेज डायबिटीज वाले पेशेंट में देखा जाता है। और चौथा है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी थायरॉयडिज्म जो थायराइड हार्मोन है उसका कंसंट्रेशन कम हो जाए, और थायराइड हार्मोन का कंसंट्रेशन अगर कम हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म नॉर्मल नहीं रह पाती। मेटाबॉलिज्म में बड़ा टर्म है, उसमें हार्ट की स्पीड भी आती है, किडनी का फंक्शन भी, लीवर का फंक्शन, सब कुछ उसी में आता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म यानी जिनका थायराइड लेवल नॉर्मल से कम है उनकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी तो ब्लड भी कम पहुंचेगा, ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगी, एनर्जी भी कम बनेगी। तो ये चार प्रमुख कारण हैं पैर में ठंडापन लगने का। तो जिनको भी पैर में ठंडापन लगता है उसका इलाज इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसमें से क्या कारण है। इन कारणों के बेसिस पर डिपेंड करेगा कि इलाज कैसे किया जाए। तो देखिए, जो पैर में ठंडापन लगता है उसका कोई एक फैक्ट इलाज नहीं हो सकता, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस वजह से ठंडापन लग रहा है। अगर एनीमिया की वजह से लग रहा है तो आपको ऐसे कंपोनेंट्स खाने हैं जिसमें आयरन मल्टीविटामिन कंपोनेंट्स ज्यादा हों ताकि हीमोग्लोबिन नॉर्मल बने। और अगर पुअर सर्कुलेशन है, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, तो उसको कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल, ट्राइग्लिसराइड्स को नॉर्मल करने के उपाय करने होंगे। और अगर नर्व डैमेज है, मतलब डायबिटीज की अवस्था है, तो डायबिटीज को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और थायराइड, अगर थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है। मतलब ये जो पैर में ठंडा लगता है उसके चार कारण हैं, चारों कारणों की अलग अलग दवा होती है। तो अगर आपको इन चार कारणों में से कोई भी है प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सलूशन दिया जाएगा। कोई एक मेडिसिन नहीं बताई जा सकती कि पैर में ये मेडिसिन लेंगे तो पैर में ठंडापन खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके के ऑथेंटिक वीडियो पाने के लिए, हमसे जुड़ जाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना आसान है, पैसा नहीं लगता। नीचे जो रेड कलर के बटन दिख रहे हैं उसको दबा के काला कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वजह से फायदा क्या होगा कि आपको जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा। अब बात समझ में आई हो तो इसको लाइक भी कर सकते हैं। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।